वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं केक तोज बना रही हूँ। ये 2 कप मैदा है, 1 कप तेल है, 1 कप शक्कर पीस के ली हूँ और ये 4 अंडे है। आपको चाहिए और अंडा ले, ये 4 अंडे मैंने ली हूँ, आपको चाहिए और एक उसमें अंडा ले लो, 5 ले लो। और ये 1/2 चम्मच फूड कलर है और ये 1/2 चम्मच वेनिला एसेंट, ये 1/2 चम्मच येलो फूड कलर, ये पैकिंग पाउडर है, ये 1 चम्मच है पैकिंग पाउडर पूरी डालने की इसमें से। अभी हम इसमें 4 अंडे पूरे डाल देंगे और इसको अभी फेटेंगे। ये देखो, ये ऐसा फेटने का, इसको पूरा फूलने तक पूरा फेटना चाहिए, एकदम फेट फेट होना चाहिए। ये देखो, अभी ये 4 अंडे के बजाय डबल हो गया। देखो फेटने से, ऐसा फेटने का, ऐसा डबल करने का। अभी देखो, ये 1 कप तेल डालेंगे इसमें और फेटते रहने का, तेल डाल के फेटते रहने का। ये देखो, अभी ये शक्कर डालेंगे, हाँ शक्कर डाल के और फेटेंगे। ये देखो, ये वेनिला एसेंट डालेंगे और फेटेंगे। ये देखो ऐसा फेटेंगे, अरे ये कलर डालेंगे और ऐसा फेटेंगे, येलो कलर है ये, 1/2 चम्मच। अभी चालू में थोड़ा थोड़ा करके आटा डाल लूँगा, आटा डाल के फेटते जाए, थोड़ा थोड़ा करके डाल लूँगा। स्लो स्पीड पे रखूँगी, फास्ट स्पीड पे नहीं रखूँगा। ये देखो, थोड़ा थोड़ा करके आटा डाल लूँगा। ये देखो, ये पैकिंग पाउडर है, अभी इसमें डालेंगे। ये देखो पूरी डालेंगे इसमें, अभी इसको अच्छे से फेटेंगे, फेटेंगे मतलब मिक्स करेंगे। अब फेट के तो हो गए ना, अभी ये पैकिंग बटर इसमें मिक्स करेंगे। इसमें मैंने बटर लगाई, बटर लगाने के बाद उसके ऊपर मैदा छिड़की। ये देखो, ऐसा छिड़कने का मतलब चिपके नहीं इसके। ये देखो, इसको सिर्फ 1/2 ही भरने का, क्योंकि फूलेगा ना इसके लिए, पूरा नहीं भरने का। ये देखो, इसको ऐसा ठोकने का, इसकी जो हवा है ना इसके अंदर वो चली जाएगी, ऐसा ठोकने का इसको और इतना भरने का। अभी इतना भर के हो गया, अभी इसको 20-80 डिग्री पे रखने का, 10 मिनट पहले गर्म करने रखने का, फिर 180 डिग्री पे 30 मिनट रखने का, 30 मिनट और 30 मिनट रखने के बाद छुरी देखने का, छुरी अंदर डाल के सीधा निकलता है क्या देखने का, या 2 पीस डाल के निकलता है क्या बराबर देखने का, नहीं अगर हुआ तो और 10 मिनट रखने का। ये देखो, ये टोस्ट केक बन गया, 30 मिनट मेरे को ओवन में लग गया इसमें। अभी इसको ऐसा काट के, टोस्ट बना के उसको टोस्ट की तरह काट के ओवन में और 15 मिनट रखना है। अभी देखो, ये पक के तैयार है। ये देखो, ये देखिए हो गया, एकदम तैयार है एकदम। ऐसा भी खा सकते हैं, ऐसा अगर आप खाना चाहते हैं तो ऐसा खा लो। ये केक है और इसको अगर अपन काट के ओवन में 15 मिनट और रखेंगे ना तो केक तोस बन जाएगा, ऐसा भी खा सकते हैं, इसको केक बोलते हैं। और अगर काटेंगे ओवन में 15 मिनट कुरकुरी करेंगे तो वो केक तोस बन जाएगी। ये देखो, ये केक एकदम फर्स्ट क्लास अच्छा बना है। इसमें देखो खड्डे खड्डे पूरे आए हैं, पक के तैयार है। मैंने एक्स्ट्रा निकाल के, ये देखो इधर साइड में रखी हूँ। अभी इसको काट के इसके को केक तोस बना के मतलब ओवन में 15 मिनट रखेंगे तो कुरकुरित हो जाएंगे, ऐसा वो केक तैयार है अभी, और बाद में केक तोस हो जाएंगे। ये देखो, केक तोस ऐसे काटने के, केक बन गया था, अभी हमने उसको काट के ऐसे केक तोस बना दिया। अभी इसको हम ओवन में 15 से 20 मिनट तक रखेंगे तो कुरकुरित हो जाएगा, फिर आपको बता देंगे। 20 मिनट ओवन में रखे और केक पहले बन चुका था, उसके बाद काट के 20 मिनट ओवन में रखे। अभी देखो, केक तोस बन के तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास कुरकुरित तोस बन गया है। ऐसा बनाओ, खाओ, अच्छा लगे तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।